नमस्कार भाइयों, आज हम खड़े हैं। गाड़ी देख सकते हैं आप, मारुति सुजुकी जिमनी। ये एक मारुति की हार्डकोर ऑफ रोडर कार है। ये प्रॉपर 4x4 सिस्टम के साथ में आती है। बाकी जो इनके ऑफ रोडर्स हैं वो प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडर साथ में नहीं आती, सॉफ्ट रोडिंग वो लोग कर सकती हैं ऑफ रोडिंग्स, क्योंकि इनकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी हाई रहती है। और वो होती है फ्रंट व्हील ड्राइव। ये है अपनी प्रॉपर 4x4 सिस्टम के साथ में। स्टार्ट करते हैं इसका रिटेल रिव्यू। ऐसे भी देखने को मिलती है इसमें की लॉक अनलॉक, पीछे मारुति का लोगो, ब्लैक एलिमेंट्स, बेसिक सी की है। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट लुक से। फ्रंट में इसमें मिलता है अपने सुजुकी का लोगो। ऐसे कुछ अपने को देखते हैं इसमें कंपास इंस्पायर्ड, जीप कंपास इंस्पायर्ड इसमें अपने ग्रिल देखने को मिलती है क्रोम एलिमेंट्स के साथ में। यहाँ पर देखने को मिलता है इसमें हेडलैम्प्स। बेस्ट फीचर इस कार का जो है वो है इसमें, ये देख रहे हो, ये है अपना हेडलैम्प वॉशर। ऑफ रोड कार्स के लिए बहुत जरूरी है, कभी कीचड़ वीचड़ में हेडलैम्प्स गंदी हो जाए तो इसका वॉशर है ये। प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प्स इसमें देखने को मिलती है। यहाँ पे इसमें हैलोजन बल्ब, यहाँ पे कुछ ग्रेश एलिमेंट दिया गया है। ऐसे कुछ इसकी देखने को मिलती है अपने ग्रिल, नीचे से भी बम्पर इसका काफ़ी स्टडी देखने को मिलता है, दूसरी मारुति कंपैरेटिव कार्स में, क्योंकि एक हार्डकोर ऑफ रोडर है। थोड़ा बहुत इसका बम्पर कहीं पे लगेगा वगैरह भी तो कुछ टूटे फूटेगा नहीं। नीचे बात करते हैं इसके फॉग लैंप की। ये मॉडल अपने सामने पर्टिकुलरली मॉडल है ये अल्फा, इसको टॉप मॉडल है ये, तो इसमें सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। फॉग लैंप्स, हैलोजन फॉग लैंप्स, नीचे अपने देखने मिलता है सब कुछ इसका आगे से बम्पर। बात करते हैं इसकी टोइंग हुक की। इसमें यहाँ पे अपने को देखने मिलता है टोइंग हुक, उस साइड कोई भी टोइंग हुक नहीं दिया गया, यहीं पे दिया गया। इस गाड़ी में स्वे बार देखने को मिलती है जो कि इस गाड़ी के फ्लेक्स को काफ़ी ज़्यादा वो करती है, मतलब इंक्रीज कर सकती है। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। ये गाड़ी अपने को जो थार की तरह ऐसे कुछ ओवर डैशिंग बड़ी बड़ी वैसे देखने को नहीं मिलती। साइज़ का स्मॉल है, जैसे कि जिप्सी आती थी, जिप्सी का भी साइज स्मॉल था बट वो ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा कैपेबल थी, अभी भी कैपेबल है वो थार से। बात करते हैं इसकी साइड में, स्टार्ट करते हैं साइड प्रोफाइल में। अलॉय व्हील्स, अल्फा मॉडल है, अलॉय व्हील्स, बीच में आते हैं इसमें डिस्क ब्रेक्स, कैलिपर्स, ऐसा कुछ देखने मिलता है उसमें अलॉय व्हील्स। टायर साइज इसमें दिया गया है गिरा 195/80R15। टायर साइज में ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलता बट वो अपन बाद में अपग्रेड करा सकते हैं। जिप्सी में भी ज़्यादा बड़ा टायर साइज नहीं आता था। ये मोटा बहुत है, इसके वॉल्स बहुत ज़्यादा है, 80 है ये, तो रो प्रोफाइल नहीं है, फोटिंग वोटिंग कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आते हैं इसमें रफ ब्लैक क्लैडिंग्स, ऐसी भी देखने मिलती है अपने क्लैडिंग। ये आता है बॉडी कलर, इस कलर का नाम है, ये ग्रे कलर है। इसमें कई सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका जो मेन नियॉन कलर है वो इस गाड़ी का सिग्नेचर कलर है। यहाँ पर आते हैं अपना पियानो ब्लैक, साइड मिरर, यहाँ पे इंडिकेटर का प्लेसमेंट नहीं है, इंडिकेटर प्लेसमेंट यहाँ पे है। इस गाड़ी को थोड़ी रेट्रो फील देने के लिए यहीं पे ही दिया गया है, जिससे ये ऑफ रोडर काइंड ऑफ फील दे। अगर आप बाद में जाओगे आफ्टर मार्केट ऑप्शंस में तो यहाँ पे आप लगवा सकते हो एयर स्नॉर्कल। साइड से भी ऐसा कुछ अपने को यही ब्लैक एलिमेंट दिया गया है, यहाँ पे एंड तक भी ये दिया गया है। ऐसी भी देखने मिलती है इसमें साइड प्रोफाइल। साइड से गाड़ी मैं आपको वापस बता रहा हूँ उतनी बड़ी साइज में देखने को नहीं मिलती बट ऑफ रोडिंग में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं देगी। बढ़ते हैं इसके पीछे की तरफ, अपने को पीछे मिलता है रियर डिफॉगर, वॉशर, वाइपर्स, रियर के लिए लाइट्स, ऐसा कुछ मिलता है। नेक्सा की बैंडिंग, नेक्सा खड़े हैं तो कौन से नेक्सा खड़े हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं खड़ा हूँ हाल फिलहाल ऑरिक मोटर्स, आपको नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। नेक्सा आपको कहीं भी बीकानेर में अगर आप रहने वाले हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। स्टाफ यहाँ में बहुत अच्छा है, स्टाफ वगैरह में कोई कमी नहीं है। ऐसे को देखने मिलता है अपने को हैंडल, यहाँ पे अपने को हाइड्रोलिक्स का सिस्टम देखने को मिलता है। आपने एक बार बूट खोल दिया तो वो अपने आप पीछे चला जाएगा। बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की। बूट स्पेस में मिलती है 217 लीटर की, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। थार में तो इतनी सी ही बूट स्पेस देखने को मिलती है, और उसमें सीटें भी चार है, इसमें भी सीटें तो चार है बट उसमें गेट दो ही होते हैं। इसमें गेट है अपने को चार प्लस ये डिग्गी वाला 5, 3 डोर और 5 डोर में फर्क आ जाता है। बूट स्पेस में बात करें अपन तो यहाँ पे देखने को मिलती है अपने को लाइट, 12 वाट का पावर सॉकेट। ये काफी प्रैक्टिकल फीचर है इन टाइप की गाड़ियों में, कभी ऑफ रोडिंग वगैरह में गए हो वहाँ पे टायर की हवा निकल जाए तो आप इससे अपना टायर इन्फ्लेट कर सकते हो, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। यहीं से अपने सीट फोल्ड हो जाती है। 60-40 का स्प्लिट रेशियो मिलता है, नहीं 60-40 नहीं, ये 50-50 ही है, 50-50 का स्प्लिट रेशियो देखने को मिलता है, काफ़ी ठीक बात है। यहाँ पर देखने को मिलता है एंटीना, ऐसी कुछ अब देखने को मिलती है।
यहाँ पे आप हमने वो कैंपिंग वगैरह ओवरलैंडिंग का सेटअप करना चाहते हो तो हमने रूफेल पॉइंट आउट कर सकते हो। इसको बंद करते हैं। फिनिशिंग भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है, फिनिशिंग में कुछ भी आपको एक्सपोज वायर्स वगैरह देखने को नहीं मिलती। जैसे ऑफ रोडिंग की कार्स होती हैं उसमें क्या एक्सपोज वायर छोड़ देते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। जिमनी एजिंग क्रोम में यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, ये वो कीलेस एंट्री है, तो यहाँ पे अपने को बटन देखने को मिलता है, एक इधर दोनों ड्राइवर और पैसेंजर साइड में और एक बूट में। बात करते हैं इसके रियर टेल लैंप्स की, तो हमें मिलता है अपने को नॉर्मल हेलोजन सेटअप है ये पूरा, अपने को ब्रेक लाइट्स इंडिकेटर्स और हेलोजन अपने को देखने को मिलता है रिवर्स लाइट्स। बात करते हैं इसके पीछे कैमरा, इसमें दिया गया है विद 4 रिवर पार्किंग सेंसर्स, जो कि काफ़ी सही बात है। अपन बढ़ते हैं पीछे नीचे की तरफ, यहाँ पे दिया गया है अपने को टोइंग हुक, पीछे दो दो टोइंग हुक दिया गया है, कभी आपको गाड़ी स्टक वगैरह हो जाए या आपको किसी दूसरी गाड़ी को हेल्प करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ अपने को देखने मिलता है इसमें ऑल ग्रिप की बैजिंग। इस गाड़ी में बात करें अपन मेनली इसके जो दो रियर जो ये टायर्स हैं ये वाला और ये वाला, और जो डिफरेंशियल है इसमें हमने को देखने मिलता है ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये टायर आप सपोज करो जैसे ये टायर फ्री स्पिन कर रहा है, ये हवा में है और ये फ्री स्पिन कर रहा है और ये टायर दबा हुआ है, तो जैसे ही आप इसको थोड़ा एक्सेलरेट करोगे थोड़ा आरपीएम का गैप आएगा तब ऑटोमेटिक ये टायर स्पिन होना रुक जाएगा और ये टायर स्पिन होएगा, जिससे आपकी गाड़ी फंसी होगी तो निकल जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं BLD टेक्नोलॉजी, ये इसके अंदर गाड़ी को देखने को मिलती है, जो कि जिप्सी में नहीं थी। इसमें अपने को एक काइंड ऑफ लॉकर बोल सकते हो, इसे आप लॉकर देखने को मिलता है, ओपन डिफे गाड़ी नहीं है। इस साइड बात करते हैं वही नॉर्मल, ये अपने को ऐसा कुछ मिरर देखने को मिलता है। अल्फा मॉडल है तो इसके जो ग्लासेस हैं वो यूवी कट ग्लासेस हैं, देखो डिफरेंस, थोड़ा ग्रीनिश फील आपको दे रहे होंगे। गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है, बट ये उन लोगों के लिए गाड़ी नहीं है जैसे हवाबाजी और वैसे मतलब टच एंड टोरे की उसकी गाड़ी नहीं है, प्रैक्टिकली ऑफ रोडर 5 सीटर कार है ये। किसी कोई अगर प्रैक्टिकली अगर ऑफ रोड करना चाहता है अपने 4-5 दोस्तों को बिठा के या अपनी फैमिली को बिठा के, तो उनके लिए ये गाड़ी है, ना कि उनके लिए तो शाम को घूमने निकलना चाहते हैं। यहाँ पे देखने मिलता है कीलेस एंट्री है तो उसके लिए बटन। अब हम बढ़ते हैं इसके अंदर की तरफ, उस साइड से बढ़ते हैं। ऐसा भी देखने मिलता है इसका साइड डोर पूरा अपने को, यहाँ पे टॉप मॉडल है ये, तब भी प्रॉपर ब्लैक इंटीरियर, कोई भी इसमें डुअल टोन वगैरह नहीं मिलता बिकॉज ये ऑफ रोडर है। अगर आपको नेक्सा की लग्जरी कार लाइन चाहिए तो आप ग्रैंड विटारा इनविक्टो उनकी तरफ बढ़ सकते हो, उन्हें आपको प्रॉपर सॉफ्ट टच वगैरह भी दिया गया है, बट ये हार्ड कोर ऑफ रोडर है तो इसमें ये भी हार्ड है। ये अपने को क्रोम दे दिए जो कि सही फील देता है, लॉक अनलॉक ग्रैब हैंडल, कोई यहाँ पे फैब्रिक फुब्रिक कुछ नहीं, बॉटल होल्डर की जगह नहीं है, स्पीकर। अब इसमें बढ़ते हैं सीट्स की तरफ, ऑफ रोडर है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा, कंफर्ट इसमें पूरा देखने को मिलेगा। अंडर साइड सपोर्ट प्रॉपर है, साइड में भी अपने को प्रॉपर चीज़ें दी गई है, हेडरेस इसमें एडजस्टेबल है, 4 इस गाड़ी में हेडरेस देखने को मिलते हैं, चारों के चारों एडजस्टेबल हेडरेस, 6 एयरबैग साइड में और बीच में दो सीट्स के दो साइड पिलर्स पे। बात करें सीट्स के एडजस्टमेंट्स की, सीट्स इसमें अप डाउन नहीं है, आगे पीछे और डिक्लाइन को हो जाती है। अब बढ़ते हैं सीट के अंदर की तरफ, स्टेपिंग करना इस गाड़ी में कोई डिफिकल्ट काम नहीं है क्योंकि उतनी ज़्यादा हाइट पे नहीं है गाड़ी, तो स्टेपिंग करने का बड़ा काम नहीं है। जैसे अंदर आके बैठ चुके हैं तो यहाँ पे डेड पेडल देखने को नहीं मिलता क्योंकि डेड पेडल की जरूरत भी नहीं है, थार में भी डेड पेडल नहीं है। ऐसा कुछ देखने को मिलता है अपने को इसका इंटीरियर काफ़ी इसका ऐसे टॉप मॉडल है ये तो इसका काफ़ी फीचरिस्टिक इंटीरियर, ऐसा नहीं है कि कुछ खाली गाड़ी अंदर से कुछ भी नहीं है। आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। ये अपने देखने मिलते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप क्योंकि ये टॉप मॉडल है, ये अपने देखने मिल जाते हैं इसके एडजस्ट मिरर एडजस्ट करने के लिए बटन्स, यहाँ पे साइड में नहीं दिए गए क्योंकि साइड में कोई पानी वानी भी पड़ जाए तो उसमें उसको दिक्कत नहीं आएगी, यहीं से एडजस्ट हो जाएंगे, राइट लेफ्ट फोल्ड अनफोल्ड भी यहीं से हो जाएंगे। ऑटो ऑन ऑफ का फीचर भी यहाँ देखने को मिल जाता है, ये अपने को देखने को मिलता है इसका बेस्ट फीचर जो कि है हेडलैम्प वॉशर, जैसे ही आप वाइपर को चालू करोगे और यहाँ से इस बटन को चालू करोगे तो इसमें हेडलैम्प वॉशर से भी पानी आएगा और आपकी जो हेडलैम्प में वो कीचड़ वगैरह लगा होगा तो वो साफ हो जाएगा। हेडलैम्प लेवरर, ये रफ फिनिश, ऐसा कुछ देखने को मिलता है इसका एसी वेंट, यहाँ पे भी रेट्रो फील टाइप दिया गया है, काफी सही ये एलिमेंट। बात करते हैं मैं स्पीडोमीटर का, इसमें जो यूनिट जो लिया गया है ये लिया गया है जिप्सी इंस्पायर्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है,
ये जिप्सी में भी काफी अच्छा दिखता था। यहाँ पे इसमें चार बोल्ट काइंड ऑफ लुक दिया गया है जो कि काफी बढ़िया दिखता है। ये इसका मिल जाता है अपने को आरपीएम मीटर, ये अपने को देखते हैं स्पीड मीटर, 180 तक की इसमें लिमिट दी गई है स्पीड की। और बीच में अपने को देखने मिलती है इसके एमआईडी की फीचर। आपको कुछ एक्सप्लेन करूँ, चालू करता हूँ। ऐसा कुछ देखने मिलता है इसमें स्पीडोमीटर, इसमें अपने को जो चारों पैसेंजर्स हैं उसके सीट बेल्ट के बारे में बताया गया है। बेसिक इसमें सारे फीचर्स बताए गए हैं। 4x4 लो सब कुछ इस मीटर के अंदर शो करेंगे, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, कितना फ्यूल अपनी गाड़ी में बचा है, टाइम, डिग्री टेम्परेचर्स, ये एमआईडी कंट्रोल होता है। यहाँ से इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी कितनी दिखा रही है ये, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग टाइम, कितने टाइम से आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ये अपने को कुछ बेसिक फीचर देखने मिलते हैं। इस साइड से अपना ये जो ट्रिप है ये रीसेट हो सकता है। सब कुछ अपने को दिया गया है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं है। एक प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडर गाड़ी से इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस प्राइस पॉइंट में। तो बात करते हैं इसकी स्टेयरिंग व्हील की। स्टेयरिंग व्हील इसका काफी छोटा, काफी अच्छा स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है। यहाँ पे मोड, ऊपर नीचे, वॉल्यूम, म्यूट, इन्फो, कॉल उठाना, कॉल काटना, वॉइस असिस्टेंट और क्रूज कंट्रोल। हाईवे क्रूज कंट्रोल काफी प्रैक्टिकल फीचर है और एक ऑफ रोडर कार में क्रूज कंट्रोल होना बहुत अच्छी चीज है। आप 80-100 पे इसको क्रूज कर दो और चलाए रखो। और बढ़ते हैं इसकी तरफ। ये इसमें बाकी सारी मारुति कार्स की तरह दिया गया है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प इसमें दी गई है। ये अपने को इसमें मतलब पार्किंग लाइट चल रही है, ये हेडलैम्प ऑटो पे कर दोगे तो इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प चल जाएंगी। ये आता है फॉग लैम्प, ऊपर नीचे पे इंडिकेटर्स। लेफ्ट में बढ़ते हैं, ये अपने को देखने को मिल जाता है रियर वाला, यहाँ से चलता है और इसको अपन यूं ऊपर दबाएंगे तो वॉशर से पानी आ रहा होगा। यहाँ पे देखने को मिलता है फ्रंट के लिए, फ्रंट में आपको चला के दिखाता हूँ वॉशर। स्प्रे काफी बढ़िया है, देखो प्रॉपर साफ हो गया है। स्प्रे भी काफी अच्छा खासा स्प्रे है इसका। ऐसा कुछ देखने को मिलता है इसमें अपने को 10.2 ऐसा कुछ देखने को मिलता है अपने को इसमें 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिस काफ़ी बढ़िया है। बाकी दूसरी मारुति की सेगमेंट्स में यही चलता आ रहा है। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, काफ़ी फीचर्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेस हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, रेंज और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर हैं। तो फीचर्स में इसमें कोई कमी नहीं है गाड़ी में। मैं इसको कंपेयर करूँ इसके और ऑफरोडिंग कार्स के बारे में थार से तो कोई बुरा मत मानना, बट थार में भी इतने फीचर्स नहीं देखने को मिलते। डैशबोर्ड इसका छोटा ही देखने को मिलता है, ज्यादा बड़ा डैशबोर्ड नहीं है। जैसे आप देखो एक हाथ में फिट आ रहा है डैशबोर्ड। ग्रैब हैंडल यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑफ रोडिंग में ग्रैब हैंडल बहुत काम की चीज होती है। नीचे यहाँ अपने को देखने को मिलता है ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स में लाइट नहीं है, कूल्ड नहीं है और काफी नॉर्मल एक बेसिक सा ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। साइड सीट्स, साइड में सीट में फैब्रिक है, कहीं भी लेदर टच नहीं दिया गया, बट सीट काफी वाइड और काफी लंबी है तो सीट्स में आपको थकान की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे यहाँ पे बात करें इसके एसी वेंट्स की, यहाँ पे दिया गया क्रोम एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है। हजार्ड लाइट का बटन ये अपने को देखने मिलता है। ऑटोमेटिक एसी इसका लुक काइंड ऑफ इग्निस के ऑटोमेटिक एसी जैसा है, किसी को लगा हो तो मुझे बताना। फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, यहाँ से आप नहीं एडजस्ट कर सकते हो फैन का लेवल, यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, ये ऑफ मोड चेंज करने के लिए, अंदर की हवा सर्कुलेट, बाहर की हवा सर्कुलेट और ये एसी का बटन, ये इसका कुछ डिस्प्ले काइंड ऑफ दिया गया है। अब आपने सोचा होगा जैसे ये डोर खाली है, यहाँ पे अपने को कोई बटन देखने को नहीं मिलता, तो जो इसके विंडो अप डाउन है वो कहाँ से होंगे, वो अपने को देखने मिलते हैं यहाँ से। देखो वन टच अप, वन टच डाउन, ये सिर्फ ड्राइवर साइड देखने को मिलता है। पैसेंजर साइड अपने को है, पावर है बट ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, वन टच नहीं है। ट्रैक्शन ऑफ ऑन ऑफ का बटन ये अपने को देखने को मिलता है। हिल डिसेंट कंट्रोल। नीचे बात करते हैं अपने को यूएसबी सॉकेट, 12 वॉट यूएसबी सॉकेट ये अपने को देखने को मिलता है। यूएसबी सॉकेट, कुछ कॉइन्स वगैरह रखने की जगह, बीच में यहाँ पे वो कोई पैनल वगैरह उस काइंड ऑफ नहीं दिया गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रियर सीट का कंट्रोल भी आप यहाँ से कर सकते हो क्योंकि ड्राइवर सीट पे नहीं दिया गया कुछ भी। आपको एक सेकेंड, देखो रियर सीट का भी यहीं से कंट्रोल हो जाता है। ये चाइल्ड लॉक, हैंड ब्रेक, ये कुछ डमी बटन्स है, ये इसमें अपने को देखने को मिलता है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो अपने को देखने को मिलता है 4 स्पीड का।
अब ये इस गाड़ी की मेन चीज है, क्योंकि ये है 4x4 लीवर। अगर अपन इसको सबसे आगे आगे रखेंगे तो चलेगी 2 हाई में। अभी ये गाड़ी है अपने हाल फिलहाल 4 हाई में, और अगर इसको प्रेस करके अपन पीछे करेंगे तो ये लग जाएगी 4 लो में। जैसे हम चेंज करते हैं इसे गियर लीवर, या 2 व्हील हाई में आप लगाते हैं 4, इसको प्रेस करेंगे और पीछे करेंगे तो लग गया 4x4 लो में। ऐसा को देखने मिलता है इसका सेंटर कंसोल, 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक, पीछे वाले मेरे सजेस्ट करने के लिए चाइल्ड लॉक, ऐसा को देख सकते हो। ऊपर बात करें यहाँ पे देखने को मिलता है माइक, जो अपन कॉल वगैरह करेंगे तो उसका माइक ये रहा। हेडलैम्प ऊपर, हेलोजन अपने को इंटीरियर लाइट्स देखने को मिलती है, ऑटो डोर पे ऑफ ऑन, कोई सनग्लास होल्डर यहाँ देखने को नहीं मिलता, मैनुअल ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक डिमिंग नहीं है। यहाँ पे अपने को मिरर देखने को मिलता है, लाइट्स यहाँ नहीं है, जो कि कोई इतनी दिक्कत वाली बात आएगी नहीं इस पर्टिकुलर कार के लिए, क्योंकि ये ऑफ रोडर कार है, इसको लोग ऑफ रोडिंग के पर्पज से ही लेंगे। बहुत कोई गिने चुने लोग ही होंगे जिसको अपनी लाइफ स्टाइल कार बनाएंगे, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में इनकी जो ये सामने गाड़ी खड़ी है ये आ जाती है, और इससे कई गुना अच्छे फीचर्स, कई गुना अच्छी प्रैक्टिकलिटी और कई गुना अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी वो गाड़ी आपको निकाल के देगी, और कई गुना अच्छा कंफर्ट। ये वो बंदे लेंगे जिनको ये चीज़ चाहिए, 4H 4 लो। ठीक है, अब चलते हैं इसे पीछे की तरफ, आगे लिए एडजस्ट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है, मेरी हाइट है 6'1", तो आप उस हिसाब से देखना। मैं चलता हूँ पीछे की तरफ। वैसे मैं आपको बताया इसमें स्टेप इन स्टेप आउट करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। खोलते हैं इसका गेट, साइड डोर की पहले बात करते हैं। इसमें हमने को देखने को मिलता है यूवी कट ग्लास, जो कि टफंड होता है नॉर्मल ग्लास से, और यूवी लाइट सन की रोकता है। क्रोम डोर हैंडल, लॉक अनलॉक, पावर विंडोज का यहीं पे बटन दिया गया है, और यहाँ पे, और दूसरा ड्राइवर को करना है तो ड्राइवर यहाँ से कर सकता है। स्पीकर, ग्रैब हैंडल, कोई सॉफ्ट टच, कोई फैब्रिक फिनिश यहाँ नहीं दी गई है। ये क्वार्टर पैनल, काफी एयरी फील होगा। स्टेपिंग आउट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बात करें इस गाड़ी की स्पेस की, स्पेस में अगर देखो आप मेरी मानो ना, तो आप थार में बैठना और इसमें बैठना, आप खुद बोलोगे कि ये ज़्यादा कंफर्टेबल है थार से। ऑफ रोडिंग एबिलिटीज़ की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ स्पेस की। मैगजीन होल्डर आगे भी, लेग स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, नी स्पेस भी बहुत है, और बात करें अंडर साइड सपोर्ट की, ये भी एडिक्वेट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीच में आप एक बड़ा सा हम्प देखने को मिला है, यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफर लीवर गया है तो यहाँ पे एक हम्प है, क्योंकि गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो यहाँ पे ट्रांसफर केस का वो है। बीच वाले को थोड़ी हो सकती दिक्कत हो, मैं कहता हूँ 4 सीटर इसको कंसिडर करो आप। मैगजीन होल्डर, अब बात करते हैं मैंने स्टेपनी की। ब्रिजस्टोन का टायर देखने को मिलता है इसमें कंपनी की तरफ से। स्टेपनी की जो साइज की बात करें तो वो उसमें सेम ही देखने को मिलता है, 195/80 R15, तो इसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं मिलती, ऐसा कोई देखने मिलता है इसका अपने को। रियर लुक बात करते हैं वैसे गियर शिफ्ट की, तो गियर शिफ्ट इसका दूसरे कंपैरेटिवली जो इसकी 5 स्पीड गाड़ियां आती हैं उसके बलिनो ग्रैंड विटारियन का वर्जन थोड़ा इसका हार्ड है, ये अपने को प्रॉपर ऑफ रोडर फील देता है। और ये ऑफ रोडर कार है इंटरनेशनली, ये बहुत सक्सेसफुल ऑफ रोडर कार है। इसके अंदर अपने को इंजन बात करें, इंजन इसमें अपने को इंडिया में हाल फिलहाल एक ही इंजन टाइप देखने को मिलता है, जो कि है इसमें 1.5 K सीरीज का K15B, जिसमें अपने को मिलता है एक सिलेंडर में 2 इंजेक्टर, इसलिए इसको डुअल इंजेक्टर भी बोलते हैं। इसको डुअल जेट इंजन, जो कि निकालता है पावर अप्रॉक्स 103 BHP और 136 Nm टॉर्क के आसपास। अगर आपको पेपर्स में पावर कम लग रही हो तो ये गलत है, क्योंकि ये पेट्रोल है और ये गाड़ी लाइट वेट बहुत है, दूसरी जो इसकी कंपोजिशन की कार आती है उसके कंपेरिजन में, तो लाइट वेट करके ये गाड़ी आपको कहीं नहीं फंसने देगी। और इसमें पीछे वाले टायर्स में BLD देखने को मिलता है, जैसे ही थोड़ा RPM का डिफरेंस आएगा दोनों टायर्स में BLD क्लिक होएगा, जो अपना टायर फ्रीली स्पिन कर रहा होगा उससे पावर काट। वीडियो में बार बार कट लेना पड़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर है 39 डिग्री, टाइम हो चुका है शाम के 6:42, 7 बज चुके हैं, तब भी फोन ओवरहीट हो रहा है, अपने को बीच में वीडियो कट करनी पड़ रही है, उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको बता रहा था BLD जो टायर फ्रीली स्पिन हो रहा है वो उसकी पावर काट के जो टायर फंसा हुआ है उसमें पावर देगा। नीचे हम बात करते हैं इसकी फ्यूलिड की। फ्यूलिड इसमें देखने को मिलता है 47 लीटर का पेट्रोल टैंक इसमें देखने को मिलता है। यहाँ से इसका बोनट खोलते हैं, आपको बोनट खोल के इसकी इंजन साउंड सुनाते हैं। अभी आपको सुनाते हैं इस 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की इंजन साउंड। यहाँ से क्लच दबाया, न्यूट्रल पे भी इस वक्त कार है,
यहाँ से इसको खोलते हैं अपन बोनट। ऐसे कुछ देखने को मिलती है इसमें इंजन साउंड। इंजन साउंड एक ऑफरोडर कार के लिए बहुत ही कम है। प्रॉपर भरा हुआ इंजन है, कोई इसमें एम्प्टी स्पेस नहीं दी गई है। यहाँ पे अपने को इसमें कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया गया, क्योंकि इसके इंजन को इंसुलेशन की जरूरत ही नहीं है। अब इस इंजन को करता हूँ, हुड को करता हूँ बंद। नेग्लिजिबल इंजन साउंड। मैं सेफ्टी फीचर्स की एक एयर बैग यहाँ देखने को मिलता है, एक यहाँ दो साइड पिलर्स में, बाकी दो साइड सीट्स पे, पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड। सुना देता हूँ इसके स्पीकर। स्पीकर इसमें आते हैं चार, कोई ट्विटर देखने को नहीं मिलता। साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ आपको। साउंड क्वालिटी इसकी ठीक है, चार स्पीकर है इसमें, एडिकेट साउंड क्वालिटी है। कम से कम इसमें जो थार हमें यहाँ पे ऊपर आता है, वैसे कम से कम कान में इसमें नहीं लगता है, नीचे ही है, तो ट्रैवल वगैरह बेस वगैरह सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे आपके पास वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर आपको किसी भी नेक्सा कार की डिटेल्स चाहिए तो ये नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप यहाँ पे आ सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सारी कार्स खड़ी है, जिमनी भी यहीं खड़ी है, विटारा, अंदर से यहाँ खूब सारी कार्स खड़ी है। आपको कोई भी कार्स की इंक्वायरी करनी हो आप यहाँ आ सकते हो, और ये जिमनी की करनी हो तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो।